Hey, what's up guys, कैसे हो सारे? Welcome back to another video. तो guys, आज के इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं guys टाउन हॉल 12 के बारे में कि यार टाउन हॉल 12 के मैं तुम लोग के लिए प्रूफ्स लाया हूँ कि यार टाउन हॉल 12 जो है यार अपने विंटर अपडेट के पहले आने वाला है इसी साल. और तो और भाई, जो अपना कम्युनिटी मैनेजर है, जो भी सुपर सेल का कम्युनिटी मैनेजर है डेरियन ने, जो मतलब यार एक थ्रेड पे रिप्लाई करा था, वो भी तुम लोग को दिखाऊंगा इस वाली वीडियो में. तो चलो यार एक बारी वाली वीडियो शुरू करते हैं. तो यार शुरू करने से पहले मैं तुम लोग को बता देना चाहता हूँ guys, अगर तुम लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फटाफट से कर दो सब्सक्राइब, एंड जिसने पहले से कर रखा है नोटिफिकेशन बेल ऑन मार देना. और तो और अपन लोग ने भाई बहुत दिनों से अपना लाइक एम नहीं रखा है, तो यार आज अपन लोग लाइक एम रखते हैं. आज अपना लाइक एम रहेगा गाइस 50 लाख लाइक्स का, तो तुम लोग कंप्लीट कर देना. यस गाइस, 5 मिलियन लाइक्स का अपन लोग लाइक एम रखते हैं. तो यार मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सही में 50 लाख. यस यस. तो यार आज हम लोग बात करना है टाउन हॉल 12 के बारे में. ये अगर तुम लोग ने देख रखा होगा, इस पिछले बहुत ही ज्यादा दिनों से भाई टाउन हॉल 12 की बहुत ही ज्यादा हाइप चल रही है. और तो और भाई, अपने जो सुपर सेल है उधर भी बहुत ही ज्यादा थ्रेड्स बन रहे हैं, ये वो ये. लेकिन यार आज मैं तुम लोग के लिए एक ऐसा थ्रेड लाया हूँ जिसमें यार तुम लोग मतलब देख के काफी शॉक हो जाओगे. अगर तुम लोग नहीं हो रहे तो भाई तुम लोग की जिंदगी तो पहले से झंड रहेगी फिर. तो यार अगर तुम लोग अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो भाई, तुम लोग देख सकते हो डेरियन ने एक थ्रेड पर रिप्लाई करा था. थ्रेड में पूछा गया था कि टाउन हॉल 12 कब आएगा या फिर वैसा ही कुछ. अगर तुम लोग देखो यार डेरियन का रिप्लाई, तो डेरियन बोल रहा है अगर तुम लोग सोच रहे हो कि टाउन हॉल 12 जो है क्रिसमस के पहले आएगा, विंटर अपडेट के पहले आएगा, देन यू आर क्रेजी. और नीचे उसके देखो गाइस, आई थिंक वी आर क्रेजी. वो समझ रहा है कि अपन लोग, वो पहले तो बोला उसने कि अगर तुम लोग सोच रहे हो कि टाउन हॉल 12 जो है विंटर अपडेट के पहले आएगा तो तुम लोग क्रेजी हो. और नीचे लिख रहा है हां हम लोग क्रेजी हैं. तो मतलब यार इसको, इससे मतलब अपन लोग को यार स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ मतलब सही सी से मालूम कर रहा है कि जो नया टाउन हॉल का कंटेंट है या फिर जो भी उन लोग काम कर रहे हैं नए टाउन हॉल के ऊपर. क्योंकि यार ऑब्वियसली अपन लोग को मालूम है कि बिल्डर हॉल 9 तो इतने जल्दी नहीं आने वाला. और उन लोग ने अपन लोग को ये भी चीज बताई थी कि अपन लोग जो अपना कमिंग ईयर है, अपकमिंग जो ईयर है अपना टाउन 2018, उसमें अपन लोग बस अपने मेन विलेज के ऊपर सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं. और अपन लोग यार बिल्डर हॉल को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि उन लोग को बिल्डर हॉल से उतना ज्यादा आउटपुट नहीं मिल रहा है जितना उन लोग को अपने मेन विलेज से मिल रहा है. और तो और बहुत ही ज्यादा प्लेयर्स डेड भी हो रहे हैं जस्ट बिकॉज मेन विलेज में ज्यादा ज्यादा अपडेट नहीं आ रहा है. ऐसे एज कम्पेयर टू पहले की तरह के में यार अभी तो मतलब बहुत ही ज्यादा रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं, जैसे कि फरवरी में लूनर गेम्स आ गया और मार्च में अपना ये एक बैलेंसिंग अपडेट आ गया. और तो और बहुत कुछ भाई इसमें तो मतलब थोड़ा बहुत बैलेंसिंग वगैरह वगैरह हो रहा है. पेका की अभी 2 दिन के लिए क्रेश चलेगी, उसके बाद में पेका को लोग भूल जाने वाले हैं. नॉट ऑफ टाउन ऑन लाइन्स, क्योंकि टाउन ऑन लाइन्स में बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजीज जनरेट हो रही है पेका के साथ में, क्योंकि लेवल 4 पेका काफी ओपी हो रहा है टाउन ऑन लाइन्स के लिए. तो मतलब यार यही एक चीज है तो अपन लोग को इससे मालूम गिर रहेगा इसकी मतलब यार नो न्यू टाउन हॉल कंटेंट है टाउन हॉल 12 इन द सेंस बहुत ही जल्दी गेम के अंदर हम लोग को देखने मिल जाएगा. अगर इसके रिगार्डिंग और भी कोई क्लूज, और भी कोई लीक्स, और भी कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती है तो मैं तुम लोग को अपडेटेड रखूंगा इस वाले चैनल पे. तो यार मेक श्योर यू गाइस हिट दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब कर देना चैनल को. और तो और भाई लाइक एम जो रखा अपन लोग ने 5 मिलियन लाइक्स का कंप्लीट कर देना गाइस. दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. मैं मिलूंगा तुम लोग से अगली वाली वीडियो में. टिल देन, बाय बाय, सी या, टेक केयर, बूम.